इंडियन आर्मी का रैली का नोटिफिकेशन, ये नोटिफिकेशन है आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस रोहतक का। ये आर्मी रैली भर्ती हरियाणा स्टेट के कैंडिडेट वालों के लिए है और ये आर्मी रिक्रूटमेंट रैली आयोजित होगा राजीव गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रोहतक हरियाणा में, जो कि 10 फरवरी 2020 से 20 फरवरी 2020 तक ये रैली चलेगा। 10 फरवरी 2020 से 20 फरवरी 2020 तक ये रैली आयोजित होगा। ये आर्मी रिक्रूटमेंट रैली में हरियाणा के 4 डिस्ट्रिक्ट के एलिजिबल कैंडिडेट भाग ले पाएंगे। वो 4 डिस्ट्रिक्ट है रोहतक, झाझर, सोनीपत और पानीपत। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 12 दिसंबर से स्टार्ट होगा और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चलेगा 25 जनवरी 2020 तक। इसके अंदर आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लेना है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने वाले को एडमिट कार्ड उनके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भेज दिया जाएगा 26 जनवरी 2020 को या फिर उसके बाद। आप चेक करते रहिएगा, कैटेगरीज वाइज क्वालिटी रिक्वायरमेंट पढ़ लीजिएगा। स्पेशल फिजिकल स्टैंडर्ड्स इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। रिलैक्सेशन इन फिजिकल स्टैंडर्ड्स देखिए, सन ऑफ सर्विसमैन, सन ऑफ एक्स सर्विसमैन, सन ऑफ वार विडोज ऑफ एक्स सर्विसमैन, ये कैटेगरी वाले को हेड पर 2 सेंटीमीटर, चेस्ट पर 1 सेंटीमीटर, वेट पर 2 kg का छूट दिया जाएगा। एडोप्टेशन सन ऑफ वार विडो लीगली एडोप्टेड सन ऑफ सर्विंग सोल्जर एक्स सर्विसमैन, इन कैटेगरी वाले को हेड पर 2 सेंटीमीटर, चेस्ट पर 1 सेंटीमीटर, वेट पर 2 kg का छूट दिया जाएगा। आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन इंटरनेशनल लेवल, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, हैविंग सिक्योर्ड फर्स्ट एंड सेकेंड पोजिशन इन लास्ट ईयर, बीते 2 वर्ष में पहला और दूसरा पोजिशन, जो कि आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन का है। इन कैटेगरी से जो आएंगे उनको हाइट पर 2 सेंटीमीटर, चेस्ट पर 3 सेंटीमीटर, वेट पर 5 kg का छूट दिया जाएगा। रिलैक्सेशन यानी कि छूट जो दिया जाएगा कोई भी एक कैटेगरी पर, जैसे कि सर्विसमैन पे, एक सर्विसमैन पे या फिर स्पोर्ट्समैन पे, ना कि दोनों पर। सोलह सौ मीटर का दौड़ होगा। पहला ग्रुप 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर 60 मार्क, दूसरा ग्रुप 5 मिनट 31 सेकंड से 5 मिनट 45 सेकंड के अंदर 48 मार्क दिए जाएंगे। बीम यानी कि पुलअप्स, 6 पुलअप्स पर 16 मार्क, 7 पर 21, 8 पर 27, 9 पर 33, 10 पर 40 मार्क दिए जाएंगे। 9 फीट लंबी कूद और जीजे वाले सी सिर्फ क्वालिफाई के लिए है। उसके बाद आपका फिजिकल मेजरमेंट होगा। फिजिकल मेजरमेंट के बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट पर फिट कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे रिटर्न एग्जाम के लिए। अनफिट कैंडिडेट को रिव्यू मेडिकल यानी कि रीमेडिकल का सामना करना पड़ेगा, वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा। आपके पास जितने डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट है सबके ओरिजिनल, उसके साथ जेरोक्स कॉपी यानी कि फोटो कॉपीज लेकर जाइएगा। एडमिट कार्ड, फोटोग्राफ, 20 कॉपीज अनटेस्टेड, पासपोर्ट साइज, कलर फोटोग्राफ, एजुकेशन सर्टिफिकेट, मेट्रिक, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन जो भी है, नेटिविटी या फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, रिलीजन सर्टिफिकेट, स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अनमेरिट सर्टिफिकेट, रिलेशनशिप सर्टिफिकेट और एनसीसी सर्टिफिकेट, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, जो भी है आपके पास सर्टिफिकेट सब लेकर जाइएगा। उसके साथ एफिडेविट और पैन कार्ड और आधार कार्ड। अधिक जानकारी के लिए www.joinindianarmy.nic.in पे आप विजिट करके आपको अधिक जानकारी मिल जाएगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फाइनल रिजल्ट, नोटिफिकेशन सब वहीं पर आपको मिल जाएगा।
अधिक जानकारी के लिए टेलीफोन नंबर दिया गया है एयर रोहतक का 012-6226-8568। और ये एफिडेविट का फॉर्मेट है, सन ऑफ सर्विसमैन, सन ऑफ एक्स सर्विसमैन, सन ऑफ विडो, सन ऑफ वार विडो, उन कैंडिडेट के लिए। और जो एफिडेविट सेकेंड वाला है अपेंडिक्स बी, वो सभी कैंडिडेट के लिए है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।